एक फ्रेंड आई हुई थी, अब उसने कहा क्या तुम्हारे घर पे देसी घी है? मैंने कहा है। कहते चलो आज एक रेसिपी बताती हूँ, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है जो झटपट से बन करके तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, कढ़ाई रख दी गैस पे और उसमें डाल दिया 2 चम्मच घी। फिर मैंने कहा, मैंने कि ये क्या कर रही हो, घी डाल दिया फिर उसके ऊपर बर्फ़ कि अभी देखती जाओ ये कितनी अच्छी रेसिपी बन करके तैयार होगी। इसी के ऊपर उसने 1 चम्मच डाल दिया बेसन और इसे बर्फ़ के साथ में अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। देखिए इस तरीके से कर लेना है। और यहाँ पे ली है 1 कटोरी मैदा, आप किसी भी कप या कटोरी से नाप करके मैदा ले सकते हैं। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हमने जो बाकी की बची हुई मैदा थी वो भी इस तरीके से मिक्स कर ली है। इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए, इस तरीके से हमें ये मैश कर लेनी है, मतलब मिक्स कर लेना है। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। तो 1 कटोरी मैदा में हमने यहाँ पे 3 कटोरी पानी डाला है, मतलब कि इसका लिक्विड डो बना लेना है। अब ये कढ़ाई पड़ गई थी छोटी, तो उसने कहा कोई बड़ा बर्तन दे दीजिए। मैंने कहा ये लीजिए भगोना, मैंने वो दे दिया और उसमें पानी डाल करके और अच्छे तरीके से इसका बैटर पतला बैटर बना लिया। अब यहाँ पे आइस और रखी हुई थी जमने के लिए, अब वो भी बैटर को रख दिया उसके ऊपर, जिससे कि ये बैटर ठंडा रहे। ये जब बैटर बनाना होता है वो ठंडा ही होना चाहिए, बस चलाते हुए अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे ये दूध की थैली ली हुई है, इसमें आपके पास कोई सी भी पन्नी हो या पाइपिंग बैग हो वो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दूध की पन्नी से ही इस्तेमाल करेंगे हम उसका ही अच्छे तरीके से। अब 1 गिलास में हमने दूध की पन्नी रख करके और 1 कुकर में रख दिया तेल। तेल अच्छे तरीके से गर्म हो गया और इसमें बस ये पन्नी को काट करके थोड़ा 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 बैटर डाल दिया। और ये देखिए जालीदार एकदम हमारा ये मिठाई बन करके हो गई है तैयार। मैंने कहा ये रेसिपी तो बढ़िया है, ना ही इसमें कोई झंझट है ना ही कुछ है, और झटपट से बन करके तैयार भी हो जाती है। जब ये इस तरीके से बन जाएगा तो साइडों में से चाकू से छुटा देंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है इसमें, आराम से छुट जाता है। और ये लीजिए दबाने के बाद में ये इस तरीके से घेवर बन करके तैयार हो गया, बिल्कुल 1 साइज़ का बन करके तैयार हो गया। इसी तरीके से ये 1 कटोरी से 4 घेवर बन करके तैयार हो गए। अगर आप छोटे बनाना चाहते हैं तो आप छोटे बना सकते हैं, लेकिन ये बड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं। और देखिए कितने जालीदार है, एकदम क्रंची बने हैं, करारे हैं। और इस तरीके से देखिए मैं दोनों साइड से दिखा रही हूँ आपको, ये कितने बढ़िया हमारे जालीदार बन करके तैयार हो गए हैं। चलिए अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी चाशनी और इसको गोरा चिट्टा कर देते हैं। तो चाशनी डालेंगे मीठे के लिए। तो यहाँ पे चाशनी जो लेनी है वो 1 तार की चाशनी लेनी है, उसे चारों तरफ फैला देना है, मतलब जितना मीठा आपको चाहिए उस हिसाब से आप डाल सकते हैं चाशनी। और इसी के साथ ली है रबड़ी, रबड़ी को भी चारों तरफ फैला देंगे, अच्छे तरीके से फैला देना है। रबड़ी भी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके ऊपर डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। और ये लीजिए देखिए कितना देखने में अमेजिंग लग रहा है। वो इसे देखते ही जब बना रही थी ना तो मेरे मुँह में तो पानी आ रहा था, मैंने सोचा चलिए इसी तरीके से मैं और रेसिपी भी बनाऊँगी, लेकिन ये पहले इसको खा लेती हूँ कि मेरे मुंह में ना पानी आ रहा था। और ये देखिए ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद में यहाँ पे मेरे पास तो बादाम और काजू, मैंने वही डाले हैं। अगर आपके पास में और ड्राई फ्रूट्स हैं आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए देखने में भी कितना लाजवाब लग रहा था कि मतलब बस बच्चे क्या बड़े क्या सभी इसको मतलब इतना इन्जॉय किया बहुत ज़्यादा। और देखिए चाकू से भी काट के दिखा रहे हैं कितना अच्छे तरीके से करारापन है इसके अंदर, मतलब कट रहा है क्योंकि मैंने इसके अंदर चाशनी कम डाली है, क्योंकि मेरे को मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने चाशनी कम डाली है, क्योंकि मीठी चाशनी भी है और रबड़ी भी है। और ये लीजिए हमारा घेवर बन करके हो गया है तैयार। तो बताइए फ्रेंड्स आपको ये रबड़ी घेवर कैसा लगा, ज़रूर बनाइएगा।